वेलकम टू नॉलेज ऑफ कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन्स, लेकिन कौन से? आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर। इससे पहले के वीडियो में हमने अल्काइन्स के कॉमन नेम और डिराइव नेम पढ़े थे, और आज पढ़ेंगे हम आईयूपीएसी नेम। तो इससे पहले हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं अल्केन, अल्कीन की नॉमेनक्लेचर, और अल्कीन आइडेंटिफाइड बाय कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। आईयूपीएसी नेम्स ऑफ अल्काइन्स। अल्काइन्स जिसमें ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, तो आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर ऑफ अल्काइन पढ़ने से पहले हम यहाँ पर कुछ रूल्स देखेंगे और इन रूल को ही हम फॉलो करेंगे। अगर आपने अल्कीन और अल्कीन को अच्छे तरीके से पढ़ा है तो ये बहुत ही आसान सा आपके लिए कॉन्सेप्ट है। सबसे पहला रूल तो हर एक फंक्शनल ग्रुप के लिए कॉमन हम अप्लाई करेंगे कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कंटेनिंग सी ट्रिपल बॉन्ड सी। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को सेलेक्ट करना ही हमको, और सेलेक्ट ऐसी चेन करेंगे कि जिसमें सी ट्रिपल बॉन्ड सी प्रेजेंट रहे, और कंसिडर करेंगे उसको कि वो जो चेन है वो पैरेंट अल्केन की है। पैरेंट अल्केन आपको होमोलॉगस सीरीज पता है, मीथेन इथेन प्रोपेन म्यूटेन पेंटेन हेक्सेन हेप्टेन, है ना। तो वही आपको जितने कार्बन की चेन सेलेक्ट हो रही है उसको सेलेक्ट करके बोल देना है पैरेंट अल्केन। एंड आफ्टर दैट कि उस अल्केन को कंसिडर करने के बाद इसका जो सफिक्स है ए एन ई, ए एन ई को रिमूव करना है और उसकी जगह लगाना है वाई एन ई। तो अल्केन से हो जाएगा अल्काइन, ठीक है। अल्केन से क्या बनेगा यहाँ पर? अल्काइन। जैसे प्रोपेन तीन कार्बन की चेन सेलेक्ट हो रही है तो प्रोपेन से प्रोपाइन, ब्यूटेन से ब्यूटाइन, पेंटेन से पेंटाइन, हेक्सेन से हेक्साइन। तो इस तरीके से आपको अल्काइन्स के मेम्बर्स मिलते चले जाएंगे। एंड कार्बन चेन को नंबर आप उस साइड से देंगे जहाँ से सी ट्रिपल बॉन्ड सी जो है वो करीब है, वहाँ से आपको नंबर्स देना है। और फिर सी ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ है उसको इंडिकेट करना है बिफोर दी सफिक्स वाई एन ई, पोजीशन ऑफ ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ है उसको इंडिकेट करना है बिफोर द सफिक्स वाई एन ई। ये जो वाई एन ई आप सफिक्स लगाएंगे उससे पहले ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को इंडिकेट करेंगे, जैसे कि हमने अल्कीन में किया था। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल के थ्रू आप समझ जाएंगे। हम वैसे तो कई एग्जाम्पल लेंगे लेकिन यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखो, सी एच थ्री सी एच टू सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच, ठीक है। अब ये यहाँ पर कार्बन की चेन को सिलेक्ट करना है, तो कार्बन की चेन कितने कार्बन की चेन सिलेक्ट हो पा रही है यहाँ पर? फोर कार्बन की चेन है ना, वन टू थ्री एंड फोर। अब फोर कार्बन की चेन है और यहाँ पर आपको नंबर देना है, नंबर नियरर टू द ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जहाँ से करीब है। तो ये लेफ्ट साइड है और दिस वन इज राइट साइड, तो राइट साइड से नंबर देना होगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड राइट साइड से करीब है। तो राइट साइड से नंबर देते हैं वन टू थ्री एंड फोर, ठीक है। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करने के बाद कंसिडर करना है उसको पैरेंट अल्केन। पैरेंट अल्केन कौन सा हो गया? ये फोर कार्बन का अल्केन ब्यूटेन, चलिए हमने ब्यूटेन लिख दिया। फिर सेकेंड रूल के अकॉर्डिंग ए एन ई को हटाना है और ए एन ई की जगह लगाना है वाई एन ई। लेकिन फिर फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग कि ट्रिपल बॉन्ड की पोजिशन को वाई एन ई से पहले इंडिकेट करना है, तो वाई एन ई का नंबर कौन सा, मतलब वाई एन ई जो ट्रिपल बॉन्ड है वो फर्स्ट पर है, तो वाई एन ई से पहले ट्रिपल बॉन्ड की जो पोजिशन है वो वन है। तो नेम क्या हो गया इसका? ब्यूट वन आई। अब हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं, इसका नेम देना है हमको ये स्ट्रक्चर, ठीक है। सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कंटीन्यूअस चेन ऑफ कार्बन आइटम कंटेनिंग सी ट्रिपल बॉन्ड सी। तो वन टू थ्री फोर फाइव, वन टू थ्री फोर फाइव, फाइव कार्बन की चेन सेलेक्ट हो पा रही है। चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं फाइव कार्बन की चेन, इस तरीके से सिलेक्शन हो गया, ठीक है। अब चेन सेलेक्ट करने के बाद नंबर हमको उस साइड से लेना है जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड करीब है, तो ये लेफ्ट साइड है, दिस वन इज राइट साइड। तो लेफ्ट से वन टू, राइट से वन टू थ्री, तो फिर हमको नंबर कहाँ से लेना चाहिए? लेफ्ट साइड से। नंबर देते हैं वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ठीक है। अब सेलेक्ट करने के बाद हमको दिख रही है एक ब्रांच यहाँ पर,
अब इस ब्रांच का नंबर 4 और इस ब्रांच का नाम मिथ, जैसे कि हमने अल्केन और अल्कीन में पढ़ा है, सेम वही है। तो फोर्थ पे क्या है? मिथिल है। फोर्थ कार्बन पे है मिथिल की ब्रांच, तो हमने लिख दिया फोर मिथिल। फिर उसके बाद एज यूजुअल जैसे हम अल्काइल को नेम देंगे, फाइव कार्बन की चेन, मतलब कंसिडर करो इसको पैरेंट अल्केन, मीन्स पेंटेन। ANE को हटाना है, रिप्लेस करना है बाय YNE, और YNE से पहले ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है? सेकंड पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है, तो जो सफिक्स है YNE, YNE से पहले ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन लोएस्ट साइड से लेंगे हम 2, तो नेम हो जाएगा इसका 4 मिथिल पेन 2 आयन। नेक्स्ट एग्जांपल CH3 ट्रिपल बॉन्ड CH2 CH3। एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल में देखें कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने कार्बन की हो रही है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन होगी। 6 कार्बन की चेन सेलेक्ट कर लेते हैं हम यहाँ पर, ठीक है। अब मसला आएगा कि नंबर कहाँ से दें, लेफ्ट से दें या फिर राइट साइड से दें। तो नंबर को जहाँ से ट्रिपल बॉन्ड बनी है वहाँ से तो लेना ही है। अब यहाँ से देखते हैं 1 2 3 पे ट्रिपल बॉन्ड है, ओके। लेफ्ट साइड से 3 पे, राइट से 1 2 3 पे, दोनों भी इक्वल डिस्टेंस पे आ गया कि लेफ्ट से भी 3 पर है, राइट से भी 3 पर है। तो प्रेफरेंस हम वहाँ से देंगे जहाँ से ब्रांच करीब है, अगर इक्वल डिस्टेंस पे है तो ही, ठीक है। इक्वल डिस्टेंस पे इधर से 3 पर है, इधर से 3 पर है, तो दोनों साइड से 3 पर है, तो नंबर हमने वहाँ से देना है। सेकंड प्रेफरेंस देंगे हम कि ब्रांच जहाँ से करीब है, कि इधर से 3 पर ट्रिपल बॉन्ड और सेकंड पे ब्रांच, इधर से 3 पर ट्रिपल बॉन्ड है लेकिन ब्रांच जो रहेगा वो 5 पर रहेगा, तो आपका नंबर जो लेफ्ट साइड से देना जो है वो मोर करेक्ट होगा। तो 1 2 3 4 5 एंड 6 सिक्स कार्बन की चेन है। देन जो ब्रांचेस दिख रही है आपको सेकेंड पे, 2 ब्रांचेस है, तो 2 ब्रांचेस है तो एक ऊपर के लिए लिखेंगे हम 2, फिर उसके बाद नीचे के लिखेंगे 2, क्योंकि 2 ब्रांचेस के लिए 2 नंबर 2 2, और सेम ब्रांच है तो इसके लिए हम क्या प्रीफिक्स यूज करते हैं, डाय। सी एस टी का नेम है मिथिल, तो ये हो गया 2 2 डाय मिथिल, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जो है वो 6 की है, मीन्स हेक्सेन, तो यहाँ हो गया हेक्सेन। ANE को रिप्लेस करना है YNE से, और YNE से पहले ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन इंडिकेट करना है विच इज 3, तो नेम हो गया इसका 2 2 डाय मिथिल हेक्स 3 आयन। नेक्स्ट पापा CH ट्रिपल बॉन्ड CH3 CH C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब ये स्ट्रक्चर है, अब इसमें क्या लिख रहा है, ट्रिपल बॉन्ड 2 टाइप्स है, तो कोई जरूरत नहीं है डरने की, ट्रिपल बॉन्ड 2 टाइप्स है तो 2 टाइप्स है, तो हम प्रीफिक्स डाय का यूज कर लेंगे। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1 2 3 4 5, 5 कार्बन की चेन सेलेक्ट कर लें, लेफ्ट से नंबर दें या राइट से नंबर दें, देख लेते हैं लेफ्ट से या राइट से देते हैं कहाँ से। तो लेफ्ट से 1 पर है, राइट से भी 1 पर है। फिर दूसरी कंडीशन ये भी देख लेते हैं कि ब्रांच किधर है, तो लेफ्ट से 1 2 3, राइट से 1 2 3, मीन्स इक्विडिस्टेंस पे है, हम नंबर कहीं से भी दे सकते हैं। तो नंबर्स देंगे हम 1 2 3 4 एंड 5, 5 कार्बन की चेन है, पेंटेन की है, ठीक है। लेकिन एक ब्रांच छूट रही है, कौन से पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे, तो पहले लिखेंगे हम 3, फिर सी एच 3 की ब्रांच है मिथिल, 3 मिथिल, 5 की चेन है पेंटेन, लेकिन ANE की जगह लगाना है हमको YNE, लेकिन YNE से पहले ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, ठीक है। ट्रिपल बॉन्ड की जो पोजीशंस है वो पोजीशन एक 1 पर है और एक 4 पे है, 1 पे है और 4 पे है, तो 1 एंड 4, और कितने डाई है ट्रिपल बॉन्ड, 2 डाइस है, तो 2 के लिए हम क्या यूज करेंगे, डाई, और फिर लगाएंगे हम YNE सफिक्स
फॉर द ट्रिपल बॉन्ड. तो नेम क्या हो जाएगा इसका फिर, 3-methyl-pent-1,4-diene, Y-N-E, diene. तो 3-methyl-pent-1,4-diene. ऐसे ही एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम यहाँ पर, CH3C ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH. अब ये कंपाउंड इसको नेम देना है. सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 की चेन यहाँ पर सेलेक्ट हो पाई है. ठीक. अब नंबर्स देना है, नंबर नियरर टू द ट्रिपल बॉन्ड. ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से करीब है, लेफ्ट से या राइट से? तो लेफ्ट से तो सेकेंड पे है, राइट से फर्स्ट पे है. तो नेम देंगे, नंबर देंगे हम 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7. ओके. अब जो ब्रांचेस है वो ब्रांचेस कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है, 3 पर और 4 पे. तो पहले हम यहाँ पर 3 एंड 4 इसकी पोजीशन लिख लेते हैं. 3, 4 कितने टाइम है, 2 टाइम है. तो लिखेंगे हम डाइमिथिल चेन, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है 7 की, कंसिडर एज अ पैरेंट अल्केन. 7 कार्बन की चेन को कहते हैं हेप्टेन. तो AN को तो हटा देना है. ठीक है, AN को हटा के YN लिखेंगे. YN से पहले ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन एक 1 पर है और एक 5 पे है. तो 1, 5, 1, 5 टू टाइम है. तो डाय और ट्रिपल बॉन्ड के लिए सफिक्स यूज करते हैं हम आई. तो नेम हो गया इसका 3, 4 डाइमिथिल हेप 1, 5 डाइआइन. ये कंपाउंड है. ठीक है, अब यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन विथ ट्रिपल बॉन्ड को लेके हुए आपको सेलेक्ट करना है. तो ट्रिपल बॉन्ड आपको यहाँ यहाँ पर दिख रहा है, आपको स्ट्रेट चेन में नहीं नजर आएगा. ठीक है, अब आपको यहाँ पर नीचे दिख रहा है ट्रिपल बॉन्ड. तो यहाँ से कार्बन की चेन को सेलेक्ट करना स्टार्ट करना है आपको. 1, 2, 3, 4 यहाँ तो 4 पर एंड हो रहा है. 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे 6 की कार्बन की चेन सेलेक्ट हो रही है. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 टू कार्बन है, 7, 6, 7 ऐसे काउंट करेंगे आप. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 7 की चेन जो है वो सबसे लंबी चेन होगी इस कंपाउंड में. तो इसलिए हम ये 7 की चेन को सेलेक्ट करेंगे. ठीक है, ऐसे अब 7 की चेन को सेलेक्ट कर लेंगे. ट्रिपल बॉन्ड जहाँ से वहीं से नंबर्स देना है. तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5 टू कार्बन है इसलिए 6 एंड 7 दो नंबर लगेंगे. तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 अब ब्रांचेस जो दिख रही है आपको, 2 ब्रांचेस दिख रही है. एक दिख रही है आपको 3rd पर और एक दिख रही है आपको 5th पोजिशन पे. तो 3rd और 5th पोजिशन पे जो ब्रांचेस आपको दिख रही है उनके पहले नंबर लिख लेते हैं. तो नंबर कौन सी है, 3 देन 5 3 5 2 टाइम है. 2 के लिए हम यूज़ करते हैं प्रीफिक्स डाय और ब्रांच है मिथिल की. 3, 5 डाइमिथिल, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन 7 की, पैरेंट अल्केन हेप्टेन. AN इज रिप्लेस्ड बाय YNE. तो हेप्टेन का AN हट गया तो ये रह गया हेप्ट. ठीक है, और YNE से पहले ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ पर है, 1 पर है. तो नेम हो गया यहाँ पर 3, 5 डाइमिथिल हेप्ट 1 YNE I. ठीक है, नेक्स्ट CH3 CH C2H5 CH CH3 CH2 CH2 C triple bond CH. ठीक है, ये स्ट्रक्चर. अब यहाँ पर सेलेक्ट करें चेन लॉन्गेस्ट कार्बन. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो जो चेन का सिलेक्शन है वो 8 कार्बन की चेन का सिलेक्शन होगा. ठीक है, नंबर्स देंगे हम नियरर टू द ट्रिपल बॉन्ड. तो 1, 2, 3, 4
फाइव सिक्स सेवन एंड एट। फिर जहाँ से ब्रांच जो जो पोजिशन पे ब्रांचेस हैं वो ब्रांचेस के पहले आप नंबर लिखेंगे, फाइव पर है और सिक्स पर है तो लिखेंगे फाइव सिक्स, टू टाइम है डाय मिथिल, और एट की चेन है ऑक्टेन, ऑक्टेन ए ही रिप्लेस बाय वाई एन ई, एंड वाई एन ई से पहले ट्रिपल बॉन्ड की पोजिशन, तो नेम हो गया इसका फाइव सिक्स डाय मिथिल ऑक्ट वन आई। देखिए अब कुछ ऐसे कंपाउंड है जिसमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ है। अभी तक के हमने क्या देखे थे, ट्रिपल बॉन्ड जिसमें प्रेजेंट है अल्काइन्स है, तो यहाँ पर अल्काइन्स पे एक और कुछ नए टाइप के कंपाउंड्स आते हैं जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों भी प्रेजेंट रहते हैं। तो अगर किसी कंपाउंड में डबल बॉन्ड भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल भी है और ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो उस टाइम पर ऐसे कंपाउंड्स को जो नेम दिया जाता है वो दिया जाता है एनायंस। क्या कहते हैं हम इसको, एनायंस। तो एनायंस मतलब इन मतलब होता है, ई एन मतलब होता है डबल बॉन्ड, एंड वाई एन ई मतलब होता है ट्रिपल बॉन्ड, इन अल्कीन अल्काइन है ना, तो इन मीन्स डबल बॉन्ड और आइन मीन्स ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स है कि कंपाउंड्स कंटेनिंग बोथ एंड ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एनायंस। नेक्स्ट रूल है नंबरिंग ऑफ एनायन चेन स्टार्ट फ्रॉम द एंड नियरर टू द मल्टीपल बॉन्ड, मतलब डबल बॉन्ड करीब रहे तो वहाँ से स्टार्ट कर देंगे या ट्रिपल बॉन्ड करीब रहे तो वहाँ से स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो किसी भी मल्टीपल बॉन्ड के करीब से नंबर को स्टार्ट करना है। इफ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बोथ एंड, अब ये बोथ एंड है मतलब यहाँ पर एक ही एक सिरा है और ये दूसरा सिरा है, एक ही पहला एंड है ये दूसरा एंड है, तो अब कौन से साइड से नंबर दे जब अगर इक्विडिस्टेंस पे आ जाए तो ये भी फर्स्ट पे आ रहा है और इधर से ये भी फर्स्ट पर आ रहा है। अगर ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है तो आपको उस साइड से प्रेफर करना है विच इज नियरर टू द डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड जहाँ से होगा यहाँ से नंबर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान में क्या रखना है कि यहाँ पर जो एनायन वाले कंपाउंड्स है तो एनायन में नंबरिंग आपको सबसे पहले तो ध्यान रखना है नियरर टू द मल्टीपल बॉन्ड, मतलब डबल या ट्रिपल बॉन्ड दोनों में से आप दे सकते हो। जैसे कि अगर यहाँ पर सपोज ये हमने चेन बना दिया, ठीक है, अभी एक फिलहाल ऐसे चेन है और इसको आपको नंबर्स देना है तो नियरर टू द मल्टीपल बॉन्ड, इधर से लेफ्ट साइड से फर्स्ट पे ट्रिपल बॉन्ड है और राइट साइड से ये सेकेंड पे डबल बॉन्ड है, तो आपको नियरर टू द मल्टीपल बॉन्ड तो फिर डबल ट्रिपल नहीं देखना आपको, जहाँ से ज़्यादा नंबर के ट्रिपल बॉन्ड है, ज़्यादा नंबर के बॉन्ड है ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ से नंबर दे देंगे। और अगर इक्विडिस्टेंस आ गया कि इधर से भी पहले पे है, इधर से भी पहले पे है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर ट्रिपल बॉन्ड है, तो फिर डबल बॉन्ड के करीब से नंबर देंगे। और अगर यहाँ पर पहले पे ट्रिपल बॉन्ड है, इधर दूसरे पे डबल बॉन्ड है, तो आपको क्या करना है, जहाँ से ज़्यादा बॉन्ड करीब है मतलब एक से ज़्यादा, तो वहाँ से आपको नंबर देना है। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए अब इसके कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, आपको दो या तीन एग्जांपल में अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए पर्टिकुलर एग्जांपल लेंगे हम इसका, सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी एच। ओके, ये एक कंपाउंड है, अब इसका नेम देना है हमको, तो सेम वैसे ही डबल और ट्रिपल को लेते हुए लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट कर दो, फाइव की चेन सेलेक्ट है, अब इधर लेफ्ट साइड से नंबर दे या राइट साइड से नंबर दे, तो लेफ्ट से डबल बॉन्ड सेकंड पे है, राइट से ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पे है, तो नियरर टू द मल्टीपल बॉन्ड, तो आप नंबर ऐसे देंगे वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, अब नंबर्स दे दिए, नंबर्स देने के बाद पैरेंट अल्केन कौन सा है, पेंटेन। ठीक है, अब पेंटेन में से आपको ए एन ई तो हटा देना है, तो रूट वर्ड हो गया आपके पास में पेंट। ठीक है, अब नाम कैसे देना आपको, एनायन, मतलब पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन और बाद में ट्रिपल बॉन्ड की, भले ही नंबर हमने
दिए हैं ट्रिपल बॉन्ड के करीब से, लेकिन नेम इंटर कैसे करेंगे आप, इन आइन, मतलब पहले इन की पोजीशन बाद में आइन की पोजीशन, मतलब डबल बॉन्ड और बाद में ट्रिपल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड की पोजीशन कौन सी है, लोएस्ट कॉम्बिनेशन में देखो थर्ड पे है डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड के लिए क्या यूज करेंगे हम, इन, ई एल, और ट्रिपल बॉन्ड की पोजिशन वन, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज क्या करेंगे हम, सफेद आइन। तो नेम हो गया पेन थ्री इन वन आइन, इनाइन की पोजिशन क्या है वो भी आपको यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। नेक्स्ट कंपाउंड, अब नेक्स्ट कंपाउंड में हम यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी, सी एच टू, सी एच टू, सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू। अब ये स्ट्रक्चर, ठीक है, अब स्ट्रेट चेन दिख रही है, कोई यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं है। अब आपके पास में जो चेन है 1, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन की चेन, अब प्रॉब्लम ये है कि कहाँ से नंबर दे, इधर देखो ये लेफ्ट साइड से ट्रिपल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे, और राइट साइड से देखें तो राइट साइड से डबल बॉन्ड फर्स्ट पोजीशन पे, इक्विडिस्टेंस पे आ गए। इफ बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड आर इक्विडिस्टेंस, ये वाला रूल आप देखो अच्छे से कि दोनों साइड से अगर ये इक्विडिस्टेंस पे आ गए तो आपको कौन सा एंड प्रिफर करना है नंबर्स देने के लिए, नियरर टू द डबल बॉन्ड, तो फिर आप यहाँ से नंबर देंगे राइट साइड से। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन की चेन है, मीन्स इट इज अ हेक्सीन, पैरेंट एल्केन होगा, हेक्सीन, एन हटा दे तो ये हो जाएगा हेक्स, इनाइन मतलब पहले डबल बॉन्ड की पोजीशन है वन इन, और फिर ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन है फाइव, तो फाइव और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, वाई एन ई, नेम हो गया हेक्स वन इन फाइव आइन। नेक्स्ट कंपाउंड देखो सी एच थ्री, सी सी एच थ्री, सी एच CH double bond CH, C triple bond CH। अब ये स्ट्रक्चर, अब इस स्ट्रक्चर को हमको नेम देना है, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करें, सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर तो स्ट्रेट चेन देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन की चेन सेलेक्ट होगी, है ना। नंबर नियरर टू द मल्टीपल बॉन्ड, लेफ्ट साइड से 1, 2, 3 पर है, राइट साइड से 1 पर है, तो आपको राइट साइड चूज करना है, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, 6 कार्बन की चेन है मतलब हेक्सेन है, लेकिन यहाँ पर एक ब्रांच दिख रही है, कौन सी पोजीशन पे है, फिफ्थ पे, तो आपको पता है कि जब भी ब्रांच छूट जाती है तो ब्रांच का पहले आपको नंबर लिखना पड़ेगा और इस ब्रांच का नेम लिखना पड़ेगा। तो 5 मिथिल चेन है 6 की, मीन्स पैरेंट एल्केन है, को हटा दे, देन पहले इनाइन का आपको नाम लिखना है, पहले डबल बॉन्ड और बाद में ट्रिपल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, 3 पर है, तो 3 पे लिखेंगे आप डबल बॉन्ड की पोजीशन के लिए 3 इन, और ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन 1 पे है, तो ये हो गया 1 आइन। तो अब आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा ये रूल का यूज कैसे करना है। अब आपको हम कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं, वो आपको वो प्रॉपरली अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और उसके करेक्ट आईपीएससी नेम लिखना है। ये है कुछ एग्जाम्पल, अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लें, इसको स्क्रीनशॉट ले लें और आराम से जो रूल्स हमने बताए हैं उसको फॉलो करते हुए करेक्ट नेम दें, ठीक है।